तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में। तो आज क्या गजब की रैली दिखाई थी शेयर ने, अराउंड 13% तक चला था ये शेयर। 113.90 का इससे अपना आज का हाई मारा था और अपने 52-week हाई के बिल्कुल आसपास पहुंच चुका है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि कहां तक चल सकता है। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो देखो, आज दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स पे न्यूज़ आई थी कि राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल उन पर बैन लगा दिया है 101 डिफेंस के इम्पोर्ट पर, तो और सब इंडिया में बनेंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी शेयर को हुआ है, और अब आगे भी बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको निवेश कौन से टाइम पे करना है। तो देखिए, अभी इसका जो आज इसने अपना हाई मराया था 113 का, तो हो सकता है कि आज जितना ये चला है, मतलब अराउंड 9 रुपये चला है आज ये, तो हो सकता है कि कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, क्योंकि कोई स्टॉक चलने के इतना चलने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती। तो 107 या फिर 106 पे आपको ये मिल सकता है, तो उस पर ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका टारगेट इस महीने में 115 या फिर 116 का अचीव 110% हो जाएगा। हो सकता है अगर थोड़ी बहुत न्यूज़ और आ गई तो 120 का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं आपको इसके चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ, जो इसके चार्ट्स हैं। तो आज इसने अपने पूरे 100 डेमा के ऊपर इसने मूव किया है, 100 और 200 डेमा के ऊपर। तो देखिए, आज जो इसका ये सपोर्ट बना है, कितना अच्छा सपोर्ट बना है। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी थोड़े दिनों में, जब ये अपना ये 102-103 के आसपास कंसोलिडेट होके मूव कर रहा था, लेकिन जो आज इसने पकड़ बनाई और 109 पहुँच के बंद हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है स्टॉक के लिए। 108.30 रुपये बंद हुआ है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कल 1-2 रुपये कम हो जाए, तो उसमें भी आपको ख़रीदने के लिए सलाह देता हूँ। और आपको इस महीने में आपको 115 या फिर 120 का टारगेट आराम से अचीव हो देखते हुए मिलेगा। तो मैं आपको इसके स्टॉक्स की थोड़ी सी बारे में और बात कर लेता हूँ। तो इसका मार्केट कैपिटल देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, 26,388 करोड़ का है, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.59% है, और डिविडेंड बहुत अच्छी कंपनी देती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी कंपनी है, जो PSU स्टॉक्स है, वो उनका टाइम अब आया है। अब ये जो मूव दिखाने वाले हैं ना, वो आपको देखने को इतना अच्छा मिलेगा, और इन सब पे बुलिश हूँ मैं, सब स्टॉक्स पे आपको ख़रीदने की सलाह दी जाएगी। हाँ, अभी देखिए इसके जो रिजल्ट्स आए थे उसमें थोड़ा बहुत इस पे मुनाफा वसूली हुआ था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो इंडिया में आइटम्स बनेंगे मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे जो हमारी गवर्नमेंट फोकस करने वाली है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन जैसे स्टॉक्स को ही मिलेगा। तो इसमें कंपनी विद नो डेप्थ है, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज है, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है आज भी, पर वीकनेसेस थोड़ी बहुत है, क्योंकि डिक्लाइन नेट प्रॉफिट हुआ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में हुआ है, और मार्जिन और ईयरली बेसिस भी बहुत गिरा है। तो हाँ, इसमें अब जो रिजल्ट आएंगे वो इसलिए आए थे क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया था, इसलिए इसके रिजल्ट इतने वीक आए थे। लेकिन अब जब इसमें धीरे धीरे काम चालू होगा, तो इसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और स्टॉक्स भी बहुत अच्छा वैल्यू करेगा। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस, वो आज ब्रेकआउट हुआ है। सबसे बड़ी बात, आज थर्ड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, और जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल पता चल जाएगा अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उसमें आपको ख़रीदने की सलाह मैं आपको कब कहने को कह रहा हूँ, जो खरीदिए, और 115 से 120 तक के टारगेट्स आपको देखने को इस मंथ में ही मिल जाएंगे, और हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, 20-25 अगस्त तक भी मिल जाए। तो आपको बहुत ख़रीदने की सलाह रहेगी। इसमें थ्रेड्स बहुत कम हैं, क्योंकि ये जो अभी इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो लॉकडाउन के कारण इतने ख़राब आए थे। तो आपको मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि इसको खरीदिए, क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश नहीं, बहुत वेरी वेरी बुलिश है। तो आपको एक सलाह ही रहेगी कि प्लीज़ इसको खरीदो। ये देखिए FNO का स्टॉक से तो बहुत अच्छा मूव करता है, और इसका देखिए एक्सपायरी का देखिए तो सब में बुलिश है, सब में अराउंड आज 10% तक के इसमें मूव देखने को मिले, क्योंकि आप देख लीजिए 27 अगस्त की एक्सपायरी, 24 सितंबर 2020 की एक्सपायरी, और 29 अक्टूबर की एक्सपायरी, सब में इसने अच्छा मूव दिखाया है। और
ये FNO में जो स्टॉक्स होते हैं वो वैसे ही ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा ही मूव दिखाते हैं। तो आपको दोस्तों बाय करने की सलाह दी जाएगी 105 पे, और इसका टारगेट आप देखने को मिलेगा 115 से 120 तक का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।